तो नमस्कार, खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम मिलने जा रहे हैं पादरी अल्बर्ट बेंजामिन साहब से। आप मेथोडिस्ट चर्च बरेली सदर कैंट के पादरी हैं। वहाँ पर कुछ सदस्यों में आपसी खींचतान है, कुछ विवाद है, कुछ प्रतिक्रियाएं क्रियाएं हुई हैं, जिसकी वजह से पादरी अल्बर्ट बेंजामिन को चिट्ठी लिखनी पड़ी अपने उच्च अधिकारियों को चर्च के पैरा 61 के तहत। क्या है पैरा 61, क्या है विवाद, इन तमाम मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं पादरी अल्बर्ट बेंजामिन से। आज सुनिए एक तरफा बात, फिर हम अगर दूसरा पक्ष अपनी सफाई में बेगुनाही में कुछ कहना चाहेगा तो हम उनसे भी मिलना चाहेंगे, उनकी बात भी आमंत्रित है। फिलहाल हम सुनवा रहे हैं इस खबर में पादरी अल्बर्ट बेंजामिन को। जुड़े रहिए। कहना चाहेंगे भाई साहब? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, थोड़ा सा हमारे चर्च का विवाद था, पता नहीं आप लोगों तक किस तरह से खबर पहुंची जो आप सबने मुझसे संपर्क किया है। मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को जब आए हैं मेरे पास, कि थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अभी एक मीटिंग हुई थी वर्ष 2022 मई में, और उसमें ये फैसला लिया गया सारी कमेटी के तरफ से कि जितने भी दूसरे चर्चेस के मेंबर्स हैं उनको उसमें सम्मिलित किया जाए, जो कि चर्चेस बंद हो गए हैं। और मैंने इस बात को वहाँ पे कहा कि नहीं, ये गलत है, लेकिन सारी कलीसिया ने इस बात को, पास्टर कमेटी ने मानने दिया। और मैंने कहा उन लोगों के पास कोई कागज़ वगैरह नहीं होंगे, मगर ये नहीं माने। खैर, मेंबर्स हमने साहब जो नहीं थे चर्च के मेंबर, उन लोगों को मेंबर बनाना शुरू किया, और जब मेंबर बनाए जा रहे थे, एक चर्च यहाँ पे हुआ है बैप्टिस्ट चर्च जो कि ख़त्म हुआ है, तो जब मेंबर बनाए जा रहे थे और मीटिंग वगैरह हो रही थी, तब मीटिंग में सब अनाउंसमेंट होता है चर्च में हर एक घर की मीटिंग के लिए, और ऐसे अनाउंसमेंट हो रहे थे, और उसमें जो है हमारे चर्च के मेंबर हैं मिस्टर अरुण थॉमस और संजय लगा रहा जी, मिस्टर अरुण थॉमस और संजय एंथोनी के घर मीटिंग के विषय में जब अनाउंसमेंट किया गया मेरे जरिए चर्च में, तो इस पर मिस्टर विलियम दिलावर साहब खड़े हो गए, बोले वो चर्च के मेंबर नहीं हैं। और उन्होंने मुझे काफ़ी सारे मेंबर्स दिए, एविडेंस दिए इस बात के कि वो चर्च के मेंबर हैं, क्योंकि जब उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब हमारे घर मीटिंग नहीं रखी गई है, तो हमने कहा बिल्कुल रखी जाएगी, मगर जो सेक्रेटरी हैं चर्च के उनका कहना ये है कि आप मेंबर नहीं हैं। तो उन्होंने काफ़ी सारे एविडेंस दिए, और ये भी एविडेंस भी दिए कि वो उसी चर्च से डेलीगेट होकर के और कॉन्फ्रेंस में गए हैं, और कॉन्फ्रेंस के जर्नल में उनका नाम दर्ज है कि वो सदर मेथोडिस्ट चर्च से डेलीगेट होकर के कॉन्फ्रेंस में गए हैं। और इस बात के कागज मैंने उनसे लेकर के ले लिए थे, और वो मैंने सेक्रेटरी साहब को वो कागज़ पहुंचवा दिए कि वो यहाँ के मेंबर हैं। इस पर उन्होंने चर्च में खड़े होके ही इस बात को कहा कि लड़ाई झगड़े का अखाड़ा ना बनाए चर्च को, चर्च में खून खराबे हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। और फिर चर्च छूट गया। हम चर्च के बाद एक मिस्टर एडविन हैं, फोटोग्राफर हैं, जिनकी वाइफ उस दिन ख़त्म हो गई थी, और चर्च के ठीक बाद में उनके घर चला गया उस मैयत में, तो पता चला कि उसके बाद वो मेरे घर पहुंचे, और घर पहुंच करके उन्होंने मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी करी। चार पांच लोग घर पहुंचे मेरे, और वहां जा कर के धमकी दी मेरी वाइफ को कि खून खराबा हो जाएगा यहां पर, तो इस तरह की जान से मारने की धमकी दी। उसमें मैं भी सम्मिलित हूँ, अरुण थॉमस हैं, संजय एंथोनी है, बाकायदा नाम लेकर के इस तरह की बातें मेरी वाइफ को घर पर जा कर के पाँच छः लोगों ने दी। और उसमें मैंने उसी दिन कॉल करके हमारे जो डीएस हैं मिस्टर पादरी सुनील के मसीह साहब,
उनको इस बात से अवगत करवाया कि इस तरह की बदतमीजी जो है दिलावर साहब के जरिए घर पे आकर के मेरी वाइफ के साथ मिसबिहेव किए गए और इस तरह की बातें, इस तरह की खून करने की धमकियां दी गई हैं, तो उन्होंने अभी तक कोई भी एक्शन इस बात पर नहीं लिया। और जिक्र है कि 25 दिसंबर को जब इबादत हुई, इबादत के बाद जब हदिया, एक कमेटी बनाई गई है वहाँ पे, जब वो हदिया गिन रही थी तो 6-7 लोगों ने आकर के वो सारा हदिया उनसे छीन लिया। और लगभग मेंबर्स थे, मेंबर हैं चर्च के, लगभग 150 के लगभग परिवार हैं, लगभग 150 लिफाफे होने चाहिए थे जो कि वो लिफाफे नहीं मिले। और फिर मैंने, मुझको मिस्टर आशीष रुस्तम के मार्फत लगभग 8,000 रुपए दिए गए कि ये निकला है, और थोड़े से लिफाफे फाड़ दिए उन्होंने और वो लिफाफे मुझे दे दिए। इस बात पे मेरी उनसे बहस भी हुई कि आपने ऐसा क्यों किया, हदिया क्यों छुआ, इस तरह से क्यों लिया। बोले नहीं, वो हदिया तो लिया जाएगा। मैंने कहा ठीक है, लिया जाएगा, अच्छी बात है, लेकिन कमेटी को काउंट तो करने देते। और उसके बाद जो है दिलावर साहब से बातचीत हुई तो दिलावर साहब कहने लगे कि ये जो है ये तो किया जाएगा और ऐसा होना ही चाहिए। मैंने कहा ठीक है, होना चाहिए, लेकिन काउंटिंग के बाद, काउंटिंग से पहले नहीं। एक तरह से वो तो लूट लिया वहाँ से हदिया, और वो लिफाफों का नहीं पता। और फिर मैंने एक मैसेज डाला फ़ोन में कि किस किस शख्स ने कितना कितना हदिया अपने अपने लिफाफे में दिया है, तो 4-5 लोगों का फ़ोन आया मेरे पास। उन लोगों ने जो अमाउंट बताया है उस अमाउंट के मुताबिक करीब 5-6 लोगों ने ही, सिर्फ लगभग 24,000 रुपया 5-6 लोगों ने ही दिया है, और मुझको उसमें से सिर्फ 8,000 रुपये दिए गए, बाकी सब गायब कर लिए गए। पता ही नहीं कहाँ हैं, किसके पास हैं, कुछ नहीं पता। और इसके अलावा करीब 100 लिफाफे गायब हैं। इस तरह की हरकत वहाँ पे की गई है। और फिर उनसे बातचीत हुई मेरी, तो फिर इसी बात पे बहस कर हुई कि वो जो हैं मेंबर नहीं हैं, आपको मुझसे कागज़ मांगने चाहिए थे, मुझसे लेना चाहिए था। मैंने कहा ठीक है, आप दे दीजिएगा, मैं आपसे मांग लूँगा। मैंने उनको एक नोटिस लिखा और कहा कि साहब, एक लेटर लिख करके कि आप मुझे चर्च का रिकॉर्ड दीजिए जो कि पास्टर के पास होना चाहिए, सारे मेंबरशिप के रजिस्टर, सारे मिनट्स के रजिस्टर, सब कुछ पास्टर के अंडर होना चाहिए। एक भी मैंने, आज तक मैं 5 साल से पास्टर हूँ वहाँ पे, ना तो मेंबरशिप का रजिस्टर देखा है मैंने, और ना ही वहाँ पर मैंने अभी तक कभी मिनट्स का कोई रजिस्टर देखा, मेरे सामने ही नहीं आया। मैंने उनको लेटर लिखा, 15 दिन का वक्त दिया कि आप 15 दिन के अंदर मुझको वो मिनट्स, ये सारे सामान मुझको दीजिए, चर्च प्रॉपर्टी जितनी भी है। तो उन्होंने मुझको वो आज की तारीख तक नहीं दी है, मैं जो आपके सामने बैठा हूँ यहाँ पर आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आज की तारीख तक उन्होंने वो सामान मेरे हैंडओवर नहीं किया है। और डिसिप्लिन पैरा 61 के मुताबिक ये पाया गया है, ऐसा लिखा हुआ है कि अगर चर्च प्रॉपर्टी को, चाहे वो चल प्रॉपर्टी हो या अचल प्रॉपर्टी हो, अगर उसको कुछ भी खुर्दबुर्द किया जाता है, किसी तरह से भी उसको कब्जे में कोई भी करता है, तो ऐसे शख्स की मेंबरशिप चर्च से ख़त्म कर देनी चाहिए। बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। और हुआ एक हादसा कि वहीं पे जो चर्च प्रॉपर्टी है सदर चर्च की, वहाँ पे लगभग करीब 20-30 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी एक चर्च की प्रॉपर्टी पे कब्जा करवा दिया एक मुस्लिम परिवार को। उसने वो अपनी दीवार के पीछे एक स्लिप सा बना दिया कि इसको मत करवाइए, ये गलत है, चर्च की प्रॉपर्टी है, इस पर मत करवाइए। लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने उस काम को करवा दिया और उस पर कब्जा करवा दिया। इसकी इन्फॉर्मेशन हमने अपने DS, उस वक्त हमारे DS थे विजय हैरिसन साहब, उनको इन्फॉर्म किया, रिटर्न में लिखित लेटर उनको दिया गया कि इस तरह से एक परिवार जो है घर बना रहा है, उस तरफ को खिड़की दरवाजों के प्रबंध कर रहा है, और उस पर भी उन्होंने कोई गौर नहीं किया, और वो उसने प्लास्टर करवा लिया। मेरा काम तो सिर्फ इतना है वहाँ रहते हुए वहाँ की प्रॉपर्टी की देख रेख करना, अगर कुछ होता है, कुछ भी गलत होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन DS को देना, और DS ने उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब क्या चाहते हैं?
अब तो सिर्फ ये है कि जो उन्होंने धमकी वगैरह दी है, हो सकता है वो इस पर कुछ एक्शन करें या जान माल का खतरा भी हो सकता है मुझे मेरे परिवार को, तो इसी उसमें अभी हमने एक लेटर और लिखा है बिशप साहब को कि उस पर गौर करें और दोबारा से फिर पास्टरेट कॉन्फ्रेंस करवाएं, जो कि अभी तक कोई भी उनका जवाब मुझ तक नहीं पहुंचा है। कोशिश करता हूं दो चार दिन में शायद ऐसा कोई फैसला लें, वो बेहतर फैसला हमारे बिशप साहब कि उस फैसले पर कुछ बेहतर ही चर्च की उन्नति हो सके।